just. नमो भित्रागाय नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पावप्पणासनो सब पावप्पणासनो मंगलानंच सव्येसिं मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ तैतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ मित्राक शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वंद्यः तैत्रिशकोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञमे मंगलमय द्यो आशिषम् सिद्धस्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माप दो व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ अमे आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करी छे के हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यात्वाद वाणी स्यात्वाद वर्तन और स्यात्वाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद कलयुग में जितने भी महान पुरुष हो गए चाहे उसको धार्मिक कहो या आध्यात्मिक कहो सबने ज्यादातर यही बताया कि कलयुग में ही नाम आधार है कलयुग में नाम ही आधार है यानी एक महान पुरुष का नाम जप के अपना काम निकाल लो ये बहुत सारे महान पुरुषों ने समय समय पे बताया है एक कलयुग का प्रभाव के आधार से और इसीलिए ज्यादातर ये जो चैंटिंग निकला है उसके बेस पर निकला है क्योंकि लोगों को धर्म अध्यात्म समझ में आए या न आए मगर एक नाम जो होता है जो मंत्र बन जाता है इसको चैंटिंग करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है जाते सोते समय वॉक करते समय कोई भी काम करते समय अंदर चालू रख सकते हैं और एक प्रकार की अंदर बल मिलता है एक प्रकार का बल मिलता है कि हर समय ये जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो मेरे साथ है और इसी के सहारे वो जी लेते हैं तो क्योंकि महान पुरुषों को
भविष्य के बारे में कुछ न कुछ दिखता है कि इस प्रकार से लोग जी रहे हैं तो आगे जाके कैसा कैसा होने वाला है, तो इसके आधार से वो ऐसी बातें बताते हैं समय समय पे। और इसीलिए हर धर्म के अंदर एक न एक प्रकार से मंत्र का जाप करना, स्लोगन के रूप में मास ऑफ पीपल उसको बोलना, ये शुरू हो गया हर धर्म के अंदर। तो क्योंकि सबसे पहली बात, धीरे धीरे धार्मिक क्रिया जिसको बोलते हैं तप जप पूजा पाठ मंत्र सूत्र ये सब रेगुलर करना अभी के जीवों के लिए धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा है। आउट ऑफ 100 पीपल 70% पीपल को डिफिकल्ट है, 30% अभी भी फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 70% पीपल, नॉट 30%। कोई भी व्यक्ति का, कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे धर्म की बातें समझना डिफिकल्ट हो गई, और आध्यात्म की बातें जो बियॉन्ड रिलीजन है वो करने वाले समय समय पे नहीं रहे। और जिन्होंने भी कहने की शुरुआत किया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि भी ये जरूर नहीं हमारे लिए, हमारी सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, और हम तो कई अवतारों से कुछ न कुछ करना इसी को ही पुरुषार्थ मानते रहते थे और आज भी उसको मानते हैं। तो कुछ करने का बताओ तो लगेगा कि हमने कुछ किया है और इसका हमको फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से फिर समर्थ पुरुष को भी, ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों को भी धीरे धीरे आध्यात्म की बात को मोड़ देकर इसको धर्म के मोड़ पे लाना पड़ता है। और फिर लोगों को भी इसमें आनंद भी आता है क्योंकि वो तो परंपरा है ना, उसकी हजारों अवतार की परंपरा है, वो परंपरा बताओगे तो उसको आनंद आएगा। आप पहले कहते कि श्री राम जय राम जय जय राम ये बोलते थे, आपको आनंद आता था। अभी कृष्ण ने कहा नहीं नहीं ये मत बोलो, अभी तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा। देखो दुनिया के कितने लोग बोलते हैं, कितने कंट्री में बोलते हैं, तो आप वो सो शुरू कर दिया, इसमें भी आनंद लगा। यानी कहने का मतलब यह है, हर व्यक्ति जो हर मंत्र बोलता है तो हर मंत्र के साथ ये जो बात जुड़ी हुई थी, ये कलयुग में ये नाम आधार हो गया। क्या हो गया? नाम आधार हो गया। और आज मास ऑफ पीपल इसी से सहारे चलते हैं, इनको कुछ भी कहो बोला नहीं, बस मैं तो नाम स्मरण करता रहता हूँ और मेरा दिन निकल जाता है। तो क्योंकि महान पुरुषों को समझ में आया कि कलयुग में ऐसा ऐसा संयोग आने वाला है और हर लोग कॉमर्शियल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लोगों को लूटेंगे, बिजनेस वाले तो लूटोंगे, धर्मगुरुओं भी लूटेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने अग्र सोच रख के ये बताया। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें चैंटिंग नहीं है, जिसमें चैंटिंग नहीं है। हर धर्म के अंदर आप समझे, जैन धर्म में नवकार मंत्र लोग बोलते थे, स्तवन गाते थे, नवकार मंत्र का चैंटिंग नहीं था। आज वो भी क्या हो गया, ट्यून पे आ गया, तो चैंटिंग हो गया। माला गिनने में क्या होगी, आसान हो गया, चैंटिंग हो जाता है तो आसान हो जाता है हर बात के अंदर। और इसके पीछे हमको ये बात समझना है कि क्यों ऐसा माहौल बना, लोगों की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और कंसंट्रेशन दिन ब दिन कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि अभी ये जो शरीर है, ये शरीर पर से ध्यान हट के अभी साधनों पे लग गया है, और साधनों के लिए इतनी अवेयरनेस है कि इनके लिए ध्यान रखने का समय नहीं। तो इसीलिए इसके माध्यम से जो काम करना था, जो पहले करते थे,
वो धीरे धीरे डिफिकल्ट हो गया है। आज लोग कहोगे तुमको कचरा पोता करना है, बोला ये काम करना है, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो आसान था वो क्या हो गया, शरीर से जो काम करना है वो सब डिफिकल्ट हो गया। धीरे धीरे पूजा पाठ आरती रिचुअल जो डेली करते हैं जिसमें खुद को फिजिकल इन्वॉल्व होना है, जबान से इन्वॉल्व होना है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ये देखो, अब देखो मैं जो बताऊ ना ये मैं ऑब्जर्व करके बताता हूँ, ये किताब में पढ़ के नहीं बताता हूँ। तो ऐसा माहौल बन गया है, आप समझे, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट एंड इंस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर लंबा कुछ करना है नहीं, मंत्र बोलो बस, शॉर्ट एंड स्वीट, ना कुछ सोचना है ना समझना है ना मीनिंग निकालना है, बस अलग अलग सॉन्ग में गाते रहो एंड यू एंजॉय। इसका मीनिंग क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपको आनंद आता है नहीं, बस करते रहो, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। हर बात के अंदर देखो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ लोगों का मन, लोगों का तन वो कमजोर हो रहा है, और इसीलिए ज़्यादातर कोई भी धर्म के अंदर रिचुअल्स जो है हमारी परंपरा में जो चलती है हर धर्म के अंदर, धीरे धीरे लोग कम जाएंगे या तो कम करेंगे, आप समझे। कई लोगों को पसंद भी नहीं है रिचुअल्स, परिवार में चार लोग हैं, दो लोग को पसंद है दो लोगों को नहीं है, माहौल ही बन गया ऐसा धीरे धीरे, कमजोरी की वजह से, शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होने के कारण। ऐसा नहीं कि रिचुअल्स में वो कमजोर हो गए, हर काम में वो कमजोर हो गए, आप समझिए। घर में कहेंगे भी बर्तन करना है, बर्तन कौन करेंगे, डिश वॉशर ला दो ना, पैसा तो है तुम्हारे पास, काम नहीं करना है बस। क्या करें, काम नहीं करना है किसी को, हाथ पांव बस नहीं लाना है, अच्छी अच्छी चीज खाना है, फिर पेट खराब हो जाए, फिर जिम में जाना है, योगा करना है, मगर काम नहीं करना है। मेंटालिटी, यू थिंक मेंटालिटी, ये सब फैक्ट है आज का, मैं ऑब्जर्व करके बताता हूँ, ये फैक्ट है, ये लोगों की प्रकृति और मेंटालिटी ऐसी हो गई है। आप कुछ भी कहोगे धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज चाहे धार्मिक है चाहे सोशल है, सब धीरे धीरे कम होगी, लोगों को नहीं पसंद है, ये मानसिकता है, काम करना ये शर्म की बात हो गई, क्या हो गई, पहले काम करना जीवन का हिस्सा था, तो घर में लोग काम करते थे, करते ही रहते थे और कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे, मैं थक गई, मैं ऐसा हो गया, मेरे से ये नहीं होता है, नहीं बनता है, ऐसा होता ही नहीं है, इट्स लाइक अ लिव लाइक अ मैकेनिकल लाइफ, मशीन की तरह जीना बस, उसमें भी उसको आनंद था काम में, क्योंकि उस समय तन और मन स्वस्थ था, क्या था, काम तो छोटा मोटा बहुत करना था मगर मन और तन क्या था, स्वस्थ था। और हमारे आयुर्वेदिक में भी लिखा है, पहलू सुखते जाते न रहे, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और अध्यात्म में लिखा है जिसका मन अच्छा है, इसको नहीं, जिसका मन अच्छा वो ही कुछ कर सकता है, मन से भी खो गया वो कुछ नहीं कर सकता है, आप समझे ना। सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन के लिए मन जो कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा है, आत्मविश्वास, बिना आत्मविश्वास आप कुछ नहीं कर सकते आध्यात्म मार्ग, क्योंकि सब अंदर की बात है, क्यों बाहर की बात, अभी आप बाहर की बात देखोगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा, आध्यात्म अंदर की बात है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मन और तन वीक हो गए,
इस काल के अंदर। और इसीलिए लोग धर्म कोई भी है, प्रश्न कौन सा धर्म है वो नहीं है। आज जिसमें लोगों को आनंद आता है ऐसी कोई एक्टिविटीज करोगे तो उसको पसंद आएगा। आप समझे, अगर कीर्तन भक्ति बोलनी है एक घंटा तो थक जाएंगे, मगर गरबा करना है तो 6 घंटा चलेगा। आज क्यों मन और तन मस्त मस्ती में आ जाता है। हरे राम हरे कृष्ण बैठे बोलना है तो नहीं बोल सकते, ऐसे घूम के बोलना है तो बोल सकते 4 घंटा। तो ये देखो, क्योंकि हमारा मन और तन इस प्रकार से हो गया है एक्टिविटीज वाला, उस प्रकार की एक्टिविटीज। अभी जो बैठ के जो करने वाली प्रवृत्ति थी उसमें आनंद नहीं है, अकेले करने की प्रवृत्ति थी उसमें आनंद नहीं है। हर बात में धीरे धीरे, कई लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो कई दिनों से ये चरण विधि वगैरह करते ही नहीं है, आरती करते ही नहीं है। कितने लोगों के यहाँ भी कि जो आरती करते ही नहीं होंगे। और पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत लोग नित्य करते थे सब कुछ, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी कहो रेगुलरली, और कभी नहीं भी होता था तो उसकी अवेयरनेस होती थी कि आज मेरे को नहीं हुआ, होना चाहिए। रात को कुछ ना कुछ बोलते बोलते भी सो जाएंगे, मतलब एक अवेयरनेस थी कि करना है। धीरे धीरे कम होती गई एक्टिविटीज, आई ना क्या आई एक्टिविटीज, और वो पावर कहाँ चला गया, निके निकल मशीन में, मोबाइल टीवी लैपटॉप और बहुत सारे मशीनरी वॉशिंग मशीन, ये आप समझे ना, सब में चला गया हमारा, हमारी एनर्जी वो ऑपरेट करने में, चलाने में, इजी लाइफ ढूंढने में क्या गए। और इसीलिए हम दिन ब दिन शारीरिक और मानसिक कमजोर होते गए, हमारी जो कैपेसिटी थी क्षमता थी वो नहीं रही। पहले लोग 8-8 कलाक काम करते थे, कोई भी काम, एनी वर्क, दे डू द वेरी हार्ड वर्क बट विथ हैप्पीनेस, कि मेरे को करना है, द पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट अ चॉइस। और वो करते थे, खाना भी खाते थे, डाइजेस्ट भी हो जाता था, शरीर स्वस्थ रहता था, मन में कोई विचार नहीं थे, काम का ही विचार है, पहले ये करना है फिर बाद में ये करना है, फिर बाद में ये करना है, बाद में करना है, तो और कोई बातें अंदर जाती भी तो वो स्वस्थ रहते थे मानसिक भी, और कोई अंदर चीज जाती नहीं थी, तो ऐसा होता रहता था। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे काम करना फिजिकल बंद कर दिया, कपड़ा साफ, कपड़ा धोने का है क्या करना है, लगा दो अंदर चाप लगा दो, फिर बातें करते रहो फोन पे, फोन देखते रहो, कोई कहेगा क्या करेंगे भाई, कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो मशीन चालू है, मगर आपका मशीन कहाँ चालू है। तो देखो ये एक मास ऑफ पीपल की एक्टिविटीज हो गई, मास ऑफ पीपल की एटीट्यूड हो गई। अभी इस एटीट्यूड के अंदर, इस प्रकार के माहौल के अंदर लोगों को मोड करना एक्टिविटीज में, इट्स वेरी टफ इन एनी रिलीजन। आप कोई धर्म में जाओगे लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे, मगर जिसको एक्टिविटीज कहेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। धार्मिक प्रवृत्ति भी, क्योंकि घर की प्रवृत्ति पसंद नहीं है, धार्मिक कितने को पसंद आएगी। और कहीं लोग धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं वो रिटायर होने के बाद इसीलिए करते हैं क्योंकि टाइम पास, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कॉन्सेप्ट बदल गया। फिर घर में बैठ के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं तो अच्छा है, एक दूसरे के बात करेंगे, मिलते रहेंगे और काम होता रहेगा और सेवा का लाभ भी मिलेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब, हर बातों के अंदर से हम जो पाना चाहते हैं, हमने जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्या नहीं आता है, हर प्रवृत्ति के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आज हमने ये पद गाया, पद के अंदर क्या है, इसका ट्यून, उनके शब्दों, शब्दों का अर्थ, मर्म तक तो नहीं पहुंचते हैं मगर अर्थ तक पहुंचते हैं,
आप समझे। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज का जो सार निकालना है एब्स्ट्रैक्ट, वो जो विजन था, वो जो हमारी सोच थी, माइंड था, माइंड का पावर था, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। कोई चीज में भी सार निकालने की इतनी क्षमता नॉर्मल एवरेज पीपल में नहीं है। सब लोग इंस्टेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं, बस गाना गाया आनंद आया बस, आप समझे ना, खाना खाया टेस्टी लगा बस, आगे क्या होता है कुछ देखना नहीं है। हर बात में ये इंस्टेंट बेनिफिट की बात आ गई, नहीं लोग नहीं समझ सके, सार नहीं निकाल सके, और उसके उसका उसका कारण है कमजोरी। इतने सारे ऑप्शन लोगों को मिल जाता है, क्या करेंगे, दे आर कंफ्यूज। आज व्हाट्सएप खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई भी चीज आप कहो कि भी मेरा बाल सफेद हो गया है, काला करना है, ऐसा लिखोगे तो थाउजेंड्स उपाय बताएंगे। अब पढ़ के कंफ्यूज हो गए कि कौन सा उपाय करूं, फिर कहे छोड़ दो सफेदी बराबर है। इतना सारा करूंगा। तो हर बात में तो एक्चुअली मूल पाठ क्या था आध्यात्म का, व्यक्ति की विचारसरणी क्या थी कि धीरे धीरे अपने जीवन में जो कुछ संजोग सामने आते हैं इसका उपयोग करके अटेंशन दे कि उसमें से सार निकालो, इसमें इसमें हम कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, इसमें कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, इसमें कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, इस प्रकार से लोग जाते थे। तो फिर खुद के अनुभव से जाते थे तो क्या था, कॉन्फिडेंस। अभी हमारा सहारा क्या हो गया, दूसरों के ऊपर, खुद जाएंगे तो उसको अनुभव होगा। तो हर बात में ये था, पहले हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये बहन लोग खाना बनाते थे तो उसको मालूम है कैसे पकाना है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता है, धीरे 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 करते पाँच दस साल में परफेक्ट बन जाते हैं, अनुभव से। हर चीज में अनुभव अल्टीमेट है, नॉलेज अल्टीमेट नहीं है, अनुभव अल्टीमेट है। और अध्यात्म के मार्ग में कहो, धर्म में कहो, या सोशल लाइफ में कहो, एक्सपीरियंस ही बड़ी चीज है, अनुभव। तो हमारे जीवन के अंदर ये जो आध्यात्मिक विज्ञान की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी सिर्फ सुनना, सिर्फ समझना ये काफी नहीं है, छोटा छोटा प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने शिविर में भी समझाया था कि प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, छोटी छोटी बातों का प्रयोग, प्रयोग एंड एक्सरसाइज बोथ आर डिफरेंट। एक्सरसाइज में करना वो सब्जेक्ट है और मैंने कर दिया, यहाँ एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। भाई ये प्रोसेस से मेरे को क्या अनुभव हुआ, इसका सार निकालना है। तो हर चीज में सार निकालने का प्रैक्टिस करो, मैकेनिकल प्रोसेस मत करो, आप समझे, तभी आप आगे जा सकोगे। अनुभव से कैसे, नॉलेज से नहीं जा सकते। तो यह अध्यात्म का जो मार्ग है, मुक्ति का जो मार्ग है, सेपरेशन का जो मार्ग है, हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आज विश्व के अंदर लोग हर प्रकार के धर्मों के अंदर, हर प्रकार के क्रियाओं के अंदर उलझे हुए हैं और किसी को ठोस मालूम नहीं है कि ये करना ही है, ये नहीं करना है, वो भी मालूम, हर बातों का टेस्ट करके छोड़ देते, टेस्ट कर कंटाल जाते, फिर चेंज करते, फिर कंटाल जाते, फिर चेंज करते हैं। ये तो मानसिक बात हो गई, उसमें आपने कोई सार नहीं निकाला, सार निकालने का था। तो कई लोग, मैंने विदेश में एक भाई को कहा था, वो अपसेट हो गए थे मेंटली, और यहाँ हैदराबाद में भी है, तो रिटायर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो अपसेट हो गए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो धर्म की किताबें पढ़ता हूँ,
श्रीमद राजचंद्र की पढ़ता हूँ, राधा भगवान की पढ़ता हूँ, और कोई किताब भी मैं पढ़ता हूँ, धार्मिक किताबें, फिर भी मेरे जीवन में जो एक डर रखता है, एक अकेलापन महसूस होता है और इनएक्टिव हूँ ऐसा महसूस होता है। इतना सारा धार्मिक किताबें सब कुछ पढ़ने के बाद और अपसेट हो जाता हूँ, क्या करूँ। तो और किसी ने छोटे छोटे उपाय बताए होंगे कि तुम ये करो ये करो, मतलब क्रिया के रूप में। तो वो भाई मेरे को बता रहे थे कि मेरे को क्या करना है, बहुत सारा उपाय किया, कुछ भय, कन्फ्यूजन, अकेलापन, इनएक्टिवनेस, ये कुछ ऐसा महसूस होता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मर जाऊँ, जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है, क्या करूँ। तो मैंने कहा आपकी प्रकृति को जो पसंद है वो करो। तो बोला मेरा पुराने फिल्मों का जो संगीत होता है गीत, वो गाना पसंद है, मतलब वो गाओ। और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके पास पैसा है तो ढोलक वाला को बुला दो, वायोलिन वाले को बुला दो, हारमोनियम वाले को बुला दो, वो बजाएगा, आपको गाना है, आपको आनंद करना है। तो बोला ऐसा नहीं होगा कि मैं धर्म के मार्ग से या तो आध्यात्म के मार्ग से गिर जाऊंगा। उनकी सोच मतलब, मैंने कहा ये तो साधन है। क्या है साधन की कमजोरी तुम्हारे पर इफेक्ट करती है, इतना तो समझो, तुम साधन नहीं हो, ये साधन है, ये कमजोरी की वजह से आपको ऐसा नेगेटिव होता है। इनको पहले प्रफुल्लित करो फिर अपना काम निकालो, नहीं तो निकालने नहीं देगा, वो यही कहेगा तुम लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, डिप्रेशन में आ जाओगे। लोग समझते नहीं है कि कौन सा उपाय करना चाहिए, इनको अवेयर करो, कॉन्फिडेंस में लाओ, फिर कहो अभी आप इस रास्ते पर जाओ। जब घिरा हुआ आदमी है, डर गया है, कमजोर हो गया है मानसिक, तो इसको पहले उठाओ, ये नहीं कहो कि ये करो ये करो ये करो और कंफ्यूज। इनको इनको जो मैकेनिकल करना है वो तो और कमजोर करेगा, वो करना चाहिए उसको जिसमें उसको उत्साह आता है, आनंद आता है, थोड़े समय के लिए दुनिया भूल जाता है, ऐसी बात करना चाहिए। फिर उसमें धीरे धीरे उसमें क्या आएगा, उत्साह आएगा, फिर उसको कहना है कि अभी आप धर्म की बात करोगे और आपको स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और इसीलिए जीवन के अंदर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बात में फंस जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए देह पर देह बल और मनोबल आगे बढ़ने के लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इसके हेल्प के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको खाना देते, पीना देते, आराम देते, दवाइयाँ करते हैं, हेल्थ की केयर करते हैं, मन में उल्टा सुल्टा विचार आते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको हम केयर करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे अध्यात्म के अंदर क्या है, हर बातों को समझना है, हम करने के लिए दौड़ जाते हैं, करना नहीं है, ये करने वाला कौन है वो जानते रहो, उनको कौन करवाता है, मैं करवाता हूँ और मैं करवाता हूँ, फिर तो गलत क्यों करता है, मैं करवाता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ वो क्यों नहीं करता है, इसलिए मैं प्रयोग तो करो, ये मन में विचार आता है, मैं करता हूँ, मेरे कंट्रोल में, मैं जो चाहूँ वो विचार आते, फिर सोचो ओ मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में नहीं है मतलब और किसी के कंट्रोल में है, और किसी के कंट्रोल में है वो मन तुमको इफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि तुम उसके साथ
जुड़ गए। आपका काम क्या है? फिर कोई इफेक्ट नहीं होगी, ये साइंस की बात है। सामाजिक और धार्मिक बात जो मैंने पहले कही वो थे, ये साइंस कहता है कि आपको अलग रहना है। आप खुद सुपर पावर हो, आपके पास इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट पावर है। आप चेतन है, आप अनंत शक्ति वाले है, आप अविनाशी है। ये अविनाशी नहीं है, ये आपका मन अविनाशी नहीं है। तो ये धीरे धीरे ये कमजोरी जो है, शारीरिक या मानसिक कमजोरी, वो कमजोरी जो है वो आध्यात्म के मार्ग में अपने आप निकल जाती है, क्योंकि उसका एड्रेस नहीं होना है, डिटैच रहना है। और कोई भी क्रिया अटैच होकर करते हैं तभी तन और मन की शक्ति चाहिए। जब डिटैच होना है तो फिर तन मन की शक्ति क्या है, इसका इफेक्ट डिटैच होने वाले को नहीं होता है। समझ में आया? तो ये बातें समझने, धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। अभी प्रश्न लेता हूँ। दादा 356 डिग्री ऊपर हता, पूर्ति 4 डिग्री माटे अंतरात्मा जोड़े शक्ति मांगता हता, आपने पण एमने भजीए छीए अने शक्ति मांगीए छीए, परंतु सिद्धांत प्रमाणे आत्माने रिलेटिव सत्य के जड़ साथे कोई लेवा देवा नथी, ए जोतो नथी, जानतो नथी के लेतो नथी, देतो नथी। आ दाखलो आपने समझाओ, એટલે એમાં સમજવું છે શું? તો શક્તિ સેના માટે માંગવાની એની પાસે અંદર બેઠેલા? હા, ये शक्ति मांगना है, वो दादा के पास जो शक्ति मांगना है वो दादा के लिए नहीं मांगना है, जो दादा नहीं है उनके लिए मांगना है, क्योंकि वो कमजोर है। करेक्ट, 100%। तो पची शक्ति मांगवानी सेना माटे એની પાસે? આપે કે નહીં? बताओ बताओ, अभी आपका टॉन समझ में आया कि हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है तो शक्ति मांगने की क्या जरूरत है? वो तो शक्ति वाला है, हमको जरूरत है तो मांगे, नहीं जरूरत तो नहीं मांगे। उनको हमारे साथ लेना देना नहीं है, हमको उनके साथ लेना देना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम उनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो निकल जाएगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यस और नो? और इसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो भी उनका तो रहेगा। तो आत्मा इनके ऊपर डिपेंडेंट, मगर ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आया? तो इसीलिए डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रश्न नहीं है, है ही। मगर जो जो शक्तियों की जरूरत है प्रतिष्ठित आत्मा को कमजोरी की वजह से, वो सब शक्तियां हम मांग सकते हैं। अगर आत्मा शक्ति नहीं देगा तो फिर कर्म कैसे चार्ज होगा? मेरे को देवलोक जाना है, ठीक, कैसे पावर मिलेगा? अगर उसके पास पावर ही नहीं है तो मैं नरकति में जाऊंगा, पावर कहां से लाऊंगे? मेरे को भाव करना है, पावर कहां से लाओगे? जड़ तो भाव नहीं कर सकते, चेतन भी नहीं कर सकते। जड़ में जड़ शक्ति है, चेतन में चेतन शक्ति है, और दोनों को मिलना, इसका नाम है मिश्र चेतन। तो वो भाव सत्ता हो गया, जिसमें जड़ चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है। भाव सत्ता कंबाइंड है जड़ चेतन दोनों का, आप समझे? उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो मांगते रहेंगे। शक्ति मांगना किसी के लिए कोई भी, वो कंपल्सरी नहीं है, मगर जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट है वो मांगना चाहिए।
अगर हम परमात्मा के पास नहीं मांगते तो बाहर के भगवान के पास मांगते हैं, कोई गुरु के पास मांगते हैं, जिनको मानते हैं उनके पास मांगते हैं, मांगते हैं ना, हर व्यक्ति मांगते हैं। क्राइस्ट को भी याद करने वाले, पैगंबर को भी याद करने वाले, अल्लाह को भी याद करने वाले है कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको शक्ति चाहिए। तो साइंस ये कहता है बाहर किसी के पास शक्ति मांगो, इससे अच्छा ये है अंदर के पास मांगो, क्योंकि शक्ति देने वाला तो अंदर ही। और हम खुद बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और जितने भी कर्म बनते हैं वो उनकी ही शक्ति से बनते हैं, उनकी हाजिरी के बिना, उनके पावर के बिना कोई भी कर्म चार्ज नहीं होता। समझ में आया? और इसीलिए हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। ये शक्ति मांगने वाला भी प्रतिष्ठित आत्मा है और देने वाला भी प्रतिष्ठित ना, मांगने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, देने वाला है कुदरत। शुद्धात्मा शक्ति मांग, प्रतिष्ठित आत्मा शक्ति मांगता है तो शुद्धात्मा का पावर मिलता है और कुदरत को इसी पावर का रिजल्ट देना पड़ता है, बिकॉज द शुद्धात्मा इज अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। अगर प्रधानमंत्री ने कागज लिखा है तो छोटे से छोटे व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो इससे सुपर पावर कौन है? इतने सारे अवतार हुए तो उनके पावर से तो हुए, जड़ में तो पावर नहीं है तो फिर ये भी कर्म चार्ज करते हैं। आप समझे कि नहीं? पावर कहां से लाओगे? पावर इज तो बहुत बड़ा साइंस है, पूरी दुनिया पावर से चलती है, रिलेटिव कहो या रियल कहो, सब पावर तो है। पावर के बिना कुछ नहीं है, हम खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पावर है। ये पैसे का पावर, हवा का पावर, पानी का पावर, खुराक का पावर, इलेक्ट्रिक का पावर, ये जड़ का पावर है कि नहीं? है कि नहीं? तो पावर तो है, और क्या है? जड़ का भी पावर है और चेतन का भी। जड़ का पावर है वो अवस्था के रूप में टेम्पररी काम करता है, और चेतन का पावर है वो परमानेंट के रूप में काम करता है, मगर अज्ञान है वहाँ तक टेम्पररी अवस्थाओं को क्रिएट करने में वो पावर सहायक बनता है। क्या बनता है? सहायक। हाँ, अब समझे ना? तो सहायक के रूप में काम करता है। समझ में आया? और कुछ पूछना है तो पूछो, कोई बात नहीं। शुद्धात्मा के पावर से चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज तो करना पड़ेगा। वो कुदरत करेंगे, वो भी उनकी हाजिरी में, उनकी हाजिरी के बिना डिस्चार्ज में नहीं है। तो फिर कर्म चार्ज होता है शुद्धात्मा के, तो फिर चार्ज करने की जरूरत ही क्या है? शुद्धात्मा को जरूरत नहीं, आपको जरूरत, आप भाव करते हैं ना, शुद्धात्मा नहीं करता है। वही भी बोलो क्या, वो भी क्या जरूरत है भी भाव करने? आप समझे नहीं, अभी हमको जो जरूरत है वो कहाँ, कौन सी जरूरत है? हमने लोन लिया है बैंक में से, क्या किया है? पेमेंट देने तक बैंक के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, जाए या ना जाए तो भी नोटिस आएगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि आपने क्या लिया है, इसीलिए कुदरत कहती है कि दुनिया में से आपने अज्ञान का लोन लिया है, इसको ज्ञान मान के जो चीज़ों में सुख नहीं थी उसमें से आपने सुख लिया है और लोन लिया है, यू हैव टू रीपे। आप समझे? समझे ना? तो रीपे के लिए है शक्ति मांगेंगे, आत्मा के लिए नहीं। मैंने कहीं बार मैंने
ये आध्यात्म विज्ञान के पुरुषार्थ में डेफिनेशन दिया है कि ये आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ का मतलब क्या है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, उसके लिए नहीं है, हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते हैं। आत्मा तो अपनी जगह पे शक्ति वाला ही है, मगर अज्ञानता के कर्टन से उसका अनुभव नहीं होता है। तो जो भी पाना है किसके लिए पाना है, अज्ञानता अपनी लोन को रिपेमेंट करने के लिए। आप समझे, हमने सभी चीजों में सुख लिया है, यू हैव टू रिपे। कैसे रिपे करूंगी, ये मैंने सुख ले लिया, लक्ष्मी में सुख है, खाने में सुख है, एयर कंडीशन में सुख है, कार में सुख है, बंगला में सुख है, मैंने ऐसा सुख ले लिया, रिपे कैसे करूंगा मैं। तब कुदरत कहती है आपको रिपे कैसे करना पड़ेगा, इसमें सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। चेंज योर विजन, पहले आपने विजन चेंज किया था, इसमें सुख है, अभी क्या करो, चेंज कर दो, सफरिंग रहेगा उदय कर्म के, विजन चेंज कर दो तो लॉन नहीं है, सफरिंग है मगर लॉन रिपे। और वास्तव में पूरी लाइफ क्या है, रिपेमेंट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज, कुछ कैरी ऑन तो होना ही नहीं है, या सुनो। तो ये फिजिकल रिपे है वो तो कंपल्सरी है, कुदरत कहती है अज्ञान को रिपे कर दो, नहीं समझ में आया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, आपने किया, अज्ञान को रिपे कर दो ना, ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात बस। और अज्ञान को रिपे करने के लिए विज्ञान की जरूरत है, आत्मा को विज्ञान की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अंदर अज्ञान है, इसको मिटाने के लिए विज्ञान से और कोई ऑप्शन नहीं है। ज्ञान से नहीं मिटेगा अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान चेंज होगा, इट्स अ रिलेटिव व्यू पॉइंट। विज्ञान सनातन सत्य है, इससे रिलेटिव सत्य खत्म होगा, वो रिपेमेंट है। आप समझिए, सनातन सत्य के दृष्टि से ही व्यवहार सत्य की विजन खत्म होगा, और व्यवहार सत्य ही अज्ञान है। ये समझना आसान नहीं है, व्यवहार सत्य अज्ञान है वो समझना आम लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि व्यवहार सत्य ही उनका जीवन है, या सुनो। तो व्यवहार सत्य को अज्ञान समझना आसान नहीं है, अगर विज्ञान की हेल्प नहीं है तो इसीलिए एक काउंटर वेट दिया आपको कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। काउंटर वेट, मैं ये मन वचन काया को नहीं चलाता हूं तो कौन चलाता है, कुदरत चलाता है। संसार की कोई चीज में सुख नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सुख वाला हूं, सुख है तो बिलीफ है। तो काउंटर वेट चाहिए, ऐसा नहीं है मानने से नहीं एक्सेप्ट होगा, इट्स रिक्वायर्ड द काउंटर वेट। मैं कहूंगा आत्मा में अनंत शक्ति है, बोला कैसे, शरीर में तो शक्ति दिखती है, आत्मा में है कैसे बताऊंगी। तब ज्ञानी कहते तुम्हारे लाखों अवतार हुए ने, क्योंकि आत्मा की शक्ति से, बॉडी की शक्ति से नहीं, बॉडी तो सफरर है, देवर नो एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट पावर, इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ये तो डिपेंडेंट है, कुदरत ने बनाया है, हवा पानी को कुदरत देती है, कर्म के संजोग कुदरत देती है, और मशीन अपने आप काम करता है, दिस इज नॉट अ बॉडी इंडिपेंडेंट पावर, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द ऑफ नेचर। तुम स्वतः समर्थ हो, तुम स्वतंत्र हो, मगर अज्ञानता से इनके पावर को ही आपने पावर मान लिया, आंखों का पावर, कान का पावर, नाक का पावर, जीभ का पावर, खाने का पावर, बोलने का पावर, स्पर्श करने का पावर, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता का पावर को पावर मान लिया आपने, हालांकि उससे आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है, मगर आपने पावर माना है, तो वो पावर क्या हो गया, फिर हाइड हो गया। तो
तो चला नहीं गया है, इज देयर मगर हाइड हो गया, क्योंकि अज्ञानता। तो निकालना क्या है? पावर लाना नहीं है, वो तो है, अज्ञान नहीं है तो पावर तो है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है? ये धीरे धीरे मैं थोड़ा डीप बातें करता हूं, एकदम नहीं करूंगा, भारी हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करना है। हर बातों का साइंस में उत्तर है, क्या है, और वो भी साइंटिफिक है, कंफ्यूजन नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि आपको ही आपके लिए जागना पड़ेगा। जगाने वाले तो बहुत मिले हैं, मिलेंगे, जागना आपको ही पड़ेगा। आप समझे ना, जगाना और जागना उसमें बहुत अंतर है। जगाना वो तो नैमित्तिक होता है, जागना वो पुरुषार्थ है, वो नैमित्तिक नहीं है। हमको तीर्थंकर मिला, ज्ञानी मिले, वो जगाने वाले मिले, हमको जागना है कि नहीं, वो तो हमारा पुरुषार्थ है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? हमने सुख लिया किसी के जो खाने से या चलने से फिरने से, तो ये इसमें अब ये बड़े तो इसमें रिपेमेंट आएगा। बट समझो कि हमने सोचा कि ये मैं ले लिया है, मन वचन काय ले लिया, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, वो सुख लिया नहीं लिया मुझसे उसको कुछ लेना नहीं, तो रिपेमेंट आएगा क्या? शरीर खाते हैं ऐसा आप मानते हैं तो फिर सुख का सवाल ही नहीं है। मैं वही में कहता हूँ, डिब्बे में आइसक्रीम पड़ा है तो आपको क्या तकलीफ है? आपने नहीं खाया है तो आपको आनंद नहीं आया है। ऐसे शरीर है वो तो डिब्बा है, और डिब्बा खाते हैं तो आपको तकलीफ नहीं है, बिलीफ आपकी है डिब्बे की नहीं है। नहीं समझ में आया? आइसक्रीम खाने में आनंद आता है वो डिब्बे को नहीं आता है, बिलीफ को आता है। हाँ, डिब्बे पर का स्वभाव नहीं है कि इसमें सुख होता है दुख होता है, ये तो मशीन है, जो डालोगे वो डाइजेस्ट कर देगा। उनका क्या मतलब है सुख दुख से? आप समझे, सुख दुख तो हमारे बिलीफ है, तो पुरुषार्थ बिलीफ में है, इसमें नहीं है। चरण विधि में वाक्य आवे छे ने आखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना दिव्य स्वरूप में नमस्कार करो छु, पछी भगवत स्वरूप में शुद्धात्मा स्वरूप में तत्व स्वरूप में तत्व ने तत्व ज्ञान यानी इट्स केवल ज्ञान स्वरूप એટલે એ જે આખી છે ને એ ઇસ ઇસ શું દર્શાવે છે સ્ટેટિક કે ના ઓ તો એક नमस्कार करने के लिए आपको एक आत्मा को नमस्कार करने के लिए कैटेगरी बताई, तत्व ज्ञान स्वरूप को लास्ट बताया, फिर वो विज्ञान स्वरूप को उससे लास्ट बता दिया। तो ये कैटेगरी आत्मा को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करोगे? तो पहले सभी व्यक्तियों के अंदर रहे रियल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है, भगवत का मतलब वो ही भगवान है, अंतिम स्वरूप भगवत का मतलब होता है अंतिम, अल्टीमेट, अल्टीमेट गॉड इज प्योर स्वरूप, भगवत स्वरूप है। फिर आगे क्या है? शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का मतलब प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। फिर तत्व, तत्व का मतलब जिसका नाश नहीं होता है, तत्व का मतलब भी होता है परमानेंट एलिमेंट्स तत्व, और बाद में विज्ञान, विज्ञान केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ही करें दर्शन, केवल ज्ञान ही करें दर्शन, तो શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું આપ્યું એટલે દર્શન મળી, દ્રષ્ટિ મળી, ડેવલપમેન્ટ થતા થતા પહેલાં ભગવત સ્વરૂપે કે ભાઈ પ્રકૃતિ પણ ભગવત સ્વરૂપ થઈ શકે છે,
तो भगवत स्वरूपे दर्शन करो શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન પ્યોર સબ્જેક્ટ ગમે પછી તે પ્રોગ્રેસ થતા થતા એનું વિઝન ખુલતા 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 છેલ્લે તો તત્વજ્ઞાન દર્શન એ જ કેવા જ્ઞાન દર્શે ત્રીજું સ્ટેપ બતાવે લાસ્ટ વિઝન બતાવે એટલે પ્રોગ્રેસ ના સ્ટેપ ઓર ઉસકે બાદ લાસ્ટ મે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ હોંગે લાસ્ટ મે ક્યા બતાયે અલ્ટીમેટ મે વિજ્ઞાન મતલબ યે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જો અગર સમજ મે આયેગા तभी आपको ये साइंस समझ में आएगा। विज्ञान का मतलब होता है मेरा अस्तित्व नहीं है तो दुनिया ही नहीं है, मेरी दुनिया नहीं है, इनकी तो किसी की उस प्रश्न नहीं है ना, जो मोक्ष में चलेगी उनके लिए दुनिया नहीं है, फिर आपके लिए है कि नहीं वो उनका प्रश्न नहीं है, जो दुनिया में है इनको प्रश्न है, जो दुनिया में है ही नहीं इनको दुनिया के लिए प्रश्न या दुनिया के बारे में प्रश्न नहीं है। तो कहने का मतलब विज्ञान स्वरूप का मतलब होता है ये पूरा जो मेरी दुनिया अभी तक लाख अवतार से चलती रही कर्मों के बस वो क्योंकि मेरे हिसाब से चलेगी, मैं नहीं हूँ तो दुनिया ही नहीं है, तो मैं विज्ञान स्वरूप हूँ इसीलिए कॉज बने और इसीलिए इफेक्ट आए और इसीलिए चारों गति हुई, क्योंकि मैं था वो था इसीलिए मैं नहीं था, मैं था तभी निगोद था, मैं था तभी व्यवहार राशि था, मैं था तभी एक केंद्र से पंचेंद्रिय था, मैं था तभी मनुष्य भव में आया, मैं था तब चारों गति में घूमा, और मैं था तभी मैंने अज्ञान को नाश किया, और मैं ही और मैं नहीं हूं तो तो ये विज्ञान स्वरूप का मतलब होता है पूरी दुनिया मेरे हिसाब से कि मैं दुनिया के हिसाब से हूं। थिंक अबाउट आज हमारी सोच क्या है, ये सब के हिसाब से मैं हूं, इनके सहाय से मैं हूं, इनके सपोर्ट से मैं हूं, इनके पावर से मैं हूं। तब ज्ञानी कहता है आत्मा से ही सब कुछ है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। चेंज योर विजन, चेंज योर कॉन्सेप्ट, यही तो है भीख और भय से मुक्ति। फिर भीख कहां से रहेगी, भय कहां से रहेगा, समझ में आया? जब आपको मालूम होता है कि पूरी सृष्टि जो है इनके साथ जुड़ी हुई वो मेरे हिसाब से है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, इनका भी अस्तित्व नहीं है, ये जो कुछ भी है इनका भी अस्तित्व, इनका भी हिसाब, जिन जिन व्यक्तियों के साथ, साधनों के साथ, संपत्ति के साथ जो हिसाब है वो बिकॉज ऑफ मी नॉट बिकॉज ऑफ हिम। मगर भ्रांति से लगता है इनके हिसाब से होना, तो वैल्यू इसकी हो गई, वैल्यू इसकी। सिमद्राचंद्र ने स्पष्ट बोल दिया रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव, जो पूर्ण किया है वो ग्रहण है, बस एक ही स्वभाव पुद्गल है और मैं परमात्मा हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, सर्वे एक ही स्वभाव है, चाहे राजा है या रंग है एक ही स्वभाव कॉज है, पर मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, मगर मेरी हाजिरी से इसकी दुनिया चलती है। और क्यों चलती है, क्योंकि मेरे और इसके बीच अज्ञानता है, क्योंकि जो मैं कहने वाला है वो मेरे को मानता नहीं है, ये इसको मानता है, मैं कहने वाला मेरी शक्ति को नहीं अनुभव करता है, इनकी शक्ति को अनुभव करता है, तो फिर नया संसार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही कहते कि प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो, तुम ही अनंत शक्ति वाले हो, वो प्रतिष्ठित आत्मा को बताया।
पहले क्या था, मैं ही शरीर हूँ और शरीर की शक्ति ही मेरी शक्ति है, शरीर को चलाने वाला भी मैं हूँ, शरीर जो भुगतान करते है वही मैं भुगतान करता हूँ, यही अज्ञानता थी। नाउ चेंज योर विजन, नॉट चेंज योर एक्शन। पहले नहीं था वो आप थे ऐसा मानते थे, अभी जो है वो इसको मानो। समझ में आया? तो आखिर ये पूरा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो एक्शन बेस है या विजन बेस? फिर आप जिसका जितना भी आप इसको एक्शन में ले जाओगे, पीपल दे आर इन कंफ्यूज पजल एंड दे आर सो मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एक्शन, यस और नो? તો ઇસીલિયે જીતના જીતના ભી આપ जो स्वरूप की दृष्टि दिया है, स्वरूप का ज्ञान दिया है, स्वरूप की शक्ति की बात किया है, स्वरूप के अस्तित्व की बात किया है, जितना आपके विजन में रहेगा, आपके मतलब गतिशील आत्मा के, इतना आप मन वचन काया होते हुए भी अलिप रह सकोगे। फिर मन वचन क्या करता है वो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यस और नो? और मैं क्या बात करता हूँ वही करता हूँ ना, मैं विज्ञान में क्या कहता हूँ, आरती करना है करने दो, पूजा करना है करने दो, विधि करना है करने दो, मगर मैं उनसे मुक्त है सर। आखिर मैं यही समझता था क्योंकि अलग बताता हूँ, और आप मतलब नॉट यू ओनली, मगर लोग क्या कहेंगे, पुरुषार्थ क्या कहेंगे, आरती करते वो पुरुषार्थ है, प्रणति करते पुरुषार्थ है, वो गलत नहीं है, उसको कहो रिलेटिव सत्य है जो पहले भी करते थे। इसको विज्ञान नहीं कहो, इसको पुरुषार्थ नहीं कहो, ऐसा नहीं है, वो साइंस नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है और पहले भी करते थे और लाखों करोड़ लोग करते हैं। इसका आपको पुण्य मिलेगा, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट द पाप एंड पुण्य, बट देर इज क्वेश्चन अबाउट दिस इज नॉट अ साइंस, यस और नो? साइंस इज अ सेपरेशन एंड डूअरशिप इज अ क्रेडिट एंड डेबिट इवन यू आर डूअर। आप करते हैं वो पाप पुण्य नहीं है, मैं करता हूं कर्ता भाव है उससे पाप पुण्य बनेंगे। तो यह अज्ञानता है, क्या है वो? तो इससे अलग रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? जी। एक ये जो ब्रह्मांड के सभी जीव मात्र को जो अभी स्टेपिंग से बताए, तो वो मेरे डेवलपमेंट के आधार पे मुझे उसमें रियल स्वरूप या केवल ज्ञान स्वरूप या तत्व स्वरूप या विज्ञान स्वरूप दिखता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका उनका ज्ञानी पुरुष का कहने का मतलब एक ही है, आज तक आपने लोगों को या जीव को जीव के रूप में देखा, चाहे इंसान के रूप में, एनिमल के रूप में देखा, पशु पक्षी के रूप में देखा, आप समझे, परमात्मा के रूप में नहीं देखा था, आप समझे। तो बस जीव में शिव का दर्शन करो, प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करो, रिलेटिव में रियल का दर्शन करो, दैट इज द अप्रोच। चेंज योर विजन, आंखों से रिलेटिव सत्य देखेगा और अंदर की आंखों से सनातन सत्य देखो। वही, क्योंकि वेदांत में वगैरह में प्रकृति और परमात्मा, फिर इतने परमात्मा के लेवल के भेद की वो इसीलिए स्टेपिंग नहीं है, वितराग विज्ञान ज्यादा शार्प है, वो कम शार्प है, गलत नहीं है, शार्प कम है, ये शार्प ज्यादा है, आप समझना। और यहाँ केवल ज्ञान की बात है, इंडिविजुअल मुक्ति की बात है, इंडिविजुअल भगवान बनने की बात है, यहाँ तो सर्वशक्तिमान एक ही है, आपको जुड़ जाना है बस। फिर
फिनिश योर एग्जिस्टेंस, यस और नो, इट्स बी कॉल्ड अ वेदा। मैंने तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ा है, 12-13 साल की उम्र में वेदांत पढ़ा है, तो चारों वेदांत पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो जैनिज्म एक ऐसा है, जैनिज्म नहीं कहेंगे तो वितरागों की बात ऐसी है कि जिसमें डीपनेस, शार्पनेस है, एग्जैक्टनेस है, आगे जाना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प से अनुभव के मार्ग में आगे जा सकते हैं। अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा, मगर कहीं तक आपको हेल्प इससे हो सकती है, आप समझे ना। उन्होंने जो बताया वो अल्टीमेट ट्रूथ बताया है। अनुभव अलग सब्जेक्ट है, वो इंडिविजुअल बात है, मगर कहीं हद तक आप जा सकते हैं, आप समझे ना। और दूसरी बात क्या है कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान भी कहते थे कि भी वेदांत, वेदांत और जैन ये दो पंथ तो पहले से थे। वो दो पंथ पहले से क्यों थे? जिनको उग्रता पसंद नहीं आया, हालांकि उग्रता वो तप के रूप में नहीं थे, आत्मा की साधना के रूप में थे। अभी तप के रूप में आ गया, वो भी अलग सब्जेक्ट में बताऊंगा आपको। तो इसीलिए लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। और जो वेदांत में जो सन्यासी का रूप था तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी कंपेयर टू साधु, तो लोगों ने जल्दी स्वीकार होता है ना, जो सही सरल रास्ता है वो मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिफिकल्ट है वो नहीं करते लोग, या तो बहुत कम करते हैं। द सेम वे, द सेम। तो इसीलिए बताइए दोनों ऋषभ देव के समय से थे, वेदांत और जैनिज्म ऋषभ देव के समय से है, ऐसा नहीं कि नया है। मगर ये खाली स्टेप अलग है, क्या है, यहाँ थोड़ी सुविधा है, यहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं है। ये सुविधा होना और सुविधा न होने का मतलब क्या है? इट इज नॉट मैटर ऑफ फिजिकल, इट इज मैटर ऑफ योर विजन। मैं शरीर से मुक्त हूँ, वही मेरे को अनुभव करना है, खाना मिले या ना मिले, आप समझे ना, पानी मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, नींद आए ना आए, इसको वेदना होवे ना होवे, बट आई एम सेपरेट, बस वो अनुभव करना है। दैट इज टू बी कॉल्ड विराग मार्ग। वेदांत में कहते भी आप खाना भी खाओ, पानी भी पियो, फैसिलिटी के साथ आप ध्यान भी करो परमात्मा का और आगे बढ़ो, आप समझे ना। और एक दिन आपका अस्तित्व खत्म करना है और परम तत्व में आपको जुड़ जाना है। और इसमें एग्जाम्पल दिया है नदी और समंदर का, नदी का अस्तित्व अलग है, समंदर में मिल जाएगी तो टाइटल होता है, ये एग्जाम्पल देते हैं वेदांत। यस, स्वसंवेदन है, वो वेदन कौन करता है? खुद है वो स्वसंवेदन शक्ति, वो ब्रह्मांड में व्यापक हो जाती है। अभी स्वसंवेदन नहीं है, अभी पर संवेदन है, आप सुनिए ना। पर संवेदन का मतलब होता है जहां तक रिलेटिव सत्य को हम फील करते हैं, नॉट बॉडी, हम वहां तक पर संवेदन है, फील करते हैं एनी एंगल, वो तो संवेदन ही तो होगा, है ना। जब स्वसंवेदन है तो पर संवेदन है ही नहीं, प्रकृति को जो भी है वो, उनको कोई संवेदन नहीं, स्वसंवेदन है। अभी तो पर संवेदन है, ये पुरुषार्थ मार्ग पूरा पर संवेदन है, स्वसंवेदन का नहीं है, पुरुषार्थ का एंड वो रिजल्ट है, एंड वो स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन के समय प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा अलग हो, भागी प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व तक खत्म हो जाता है, तो ही स्वसंवेदन, संवेदन करने वाला ही नहीं रहेगा। क्योंकि सिंपल बात है, पर संवेदन का अस्तित्व यानी पर संवेदनवाद का जो जन्म हुआ है वो अज्ञान से हुआ है, और मृत्यु होती है अज्ञान खत्म होने से। जब अज्ञान नहीं रहा तो उनका अस्तित्व, मगर बॉडी और सोल तो रहेगा, तो वही तो स्वसंवेदन है। पर संवेदन का कोई स्कोप ही नहीं है ना, संवेदन करने वाला ही नहीं है, तो फिर यू अंडरस्टैंड। जब तक अज्ञान है तब तक प्रतिष्ठित आत्मा है ही है? जब तक अज्ञान है तो प्रतिष्ठित आत्मा है ही, अज्ञान खत्म हो गया तो वो भी चला गया। सो क्योंकि उनका उनका अस्तित्व ही उनके आधार से अज्ञान ही प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व है।
अभी केवटन होने के बाद कुछ भी रहता है, एक शरीर रहता है और शुद्ध आत्मा रहता है, दो ही साथ में चलता है, वही रहता है। और विजन को समझने के लिए माध्यम प्रतिष्ठित आत्मा है। विजन को समझने के लिए दृष्टि को, साइंस को समझने के लिए माध्यम में प्रतिष्ठित आत्मा से ही साइंस आपका प्रश्न ही समझा। जो दृष्टि अपने आप समझा रहे, साइंस हम समझ पाए, तो वो समझने के लिए भी वो प्रतिष्ठित आत्मा का ही माध्यम बीच में आएगा। अभी तो आपको जो कुछ भी करना है पुरुषार्थ शब्द को जोड़कर वो प्रतिष्ठित आत्मा से ही करना है, देर इज नो एनी ऑप्शन। और इसके माध्यम से जो भी होता है उसको पुरुषार्थ मानते हैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अज्ञान है और उससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए और अज्ञान को निकालने के लिए रिलेटिव सत्य को छोड़ के सनातन सत्य को समझेंगे तो अज्ञान निकलेगा, इससे अज्ञान नहीं निकलेगा। समझ में आया? थोड़ा और क्लियर। और प्रतिष्ठित आत्मा का क्या होता है? ये जो शरीर है, शरीर का संयोग है और शरीर का पूरा लाइफ है, ये रिलेटिव सत्य है। यस और नो, एनी एंगल क्या है? रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य का कोई भी पार्ट को मैं पुरुषार्थ मानूं, ये प्रतिष्ठात्मा क्या क्या है? अज्ञान। वो अज्ञान को मिटाना है प्रतिष्ठित आत्मा को, तो शरीर तो रहेगा, शरीर का संयोग भी रहेगा और प्रतिष्ठात्मा भी रहेगा, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान निकालना है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य। ऑप्शन तो चाहिए ना, कैसे निकालेगा वो? काउंटर वेट। समझ में आया? तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अज्ञान निकालना है तो विज्ञान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? और कोई ऑप्शन नहीं है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बार बार कहा कि तुम शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलो तो केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान नहीं है आपके पास अकेला, और बहुत सारा अज्ञान है। नहीं समझ में आया? और मैं आत्मा हूं वो तो आपको लाख अवतार से मालूम है। नहीं समझ में आया? तो फिर क्यों नहीं आत्मा हो गए? मगर आत्मा के अलावा भी अज्ञान निकालना पड़ेगा कि नहीं, जिसके साथ आपके राग द्वेष जुड़े हुए हैं? नहीं समझ में आया? आज नहीं तो कल। तुम शुद्धात्मा हो, उसमें कुछ करने का है नहीं, बनाने का है नहीं, शक्ति देने की है नहीं, इसको अविनाश बनाने का है, तो उसमें क्या करना है आपको? तो करना कहाँ है पुरुषार्थ आपको? जहां फंसे हुए हैं वहां से। क्यों फंसे हुए? क्योंकि रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना, टेम्पररी को परमानेंट माना, मेरा नहीं है तो मेरा माना, मैं नहीं करता हूं तो मैं करता हूं माना, मैं भुगतान नहीं करता हूं तो मैं भुगतान माना। यह सुन लो, यही तो अज्ञान था। तभी तो राजस्व हुआ कि नहीं हुआ? ये किताब मेरी है और आपने ले लिया तो मैं क्या करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरी है वो राग है, आपने ले लिया तो द्वेष करूंगा ने? तो रिलेटिव सत्य है कि सनातन सत्य है? और सनातन सत्य क्या कहेगा? देने वाला लेने वाला दोनों कुदरती रचना है। तो फिर राजस्व होगा? तो दैट इज द वे यू डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस फ्रॉम प्रतिष्ठित आत्मा, देर इज नो एनी अदर वे। यू डू द पूजा और मंत्र और आरती, इट इज नॉट वे टू डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस, दे गिव द क्रेडिट टू यू एंड यू सफर योर क्रेडिट इन नेक्स्ट बर्थ, देर इज नो क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट द इग्नोरेंस नॉट क्रेडिट एंड डेबिट, बोथ आर द डिफरेंट सब्जेक्ट। अब पाप पुण्य की बात करेंगे वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, और आप अज्ञान निकालने की बात करेंगे वो अलग सब, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना नहीं है, अदरवाइज यू क्रिएट द पजल। आज मैं इतना वेट दे के बोल रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, कंप्लेन तो करेंगे ना, गलत होगा तो, क्योंकि आपका ये तो आपका दिमाग है, और दुनिया में सुनने वाले तो सभी जमने वाले लोग हैं,
आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी गलती होगी तो, मगर ऑप्शन नहीं है। ऐसा विज्ञान निकला है किसी के पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा कह सकते मेरे को समझ में नहीं आता है, मगर साइंस का ऑप्शन, धर्म का ऑप्शन हो सकता है, साइंस का है, क्रिया का ऑप्शन हो सकता है, विज्ञान का ऑप्शन नहीं हो सकता है। या तो मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, इतना बोल सकते हैं। और कोई ऑप्शन दुनिया में दो प्रकार का साइंस नहीं हो सकता है, धर्म अनेक प्रकार का हो सकता है, क्रिया अनेक प्रकार की हो सकती है, रिलेटिव मान्यता अनेक प्रकार की हो सकती है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसी मान्यता अनेक प्रकार की हो सकती है, मगर यूनिवर्सल ट्रुथ तो आज नहीं तो कल यही स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? इसी से अज्ञान निकालने के लिए, इसको पाने के लिए नहीं, वो तो परमानेंट है। हमारा अज्ञान निकालने के लिए किसकी हेल्प लेनी है? क्योंकि हम जो सनातन है चेतन रूप, इसका अनुभव करना है। रिलेटिव सत्य से हमने विनाशी का अनुभव किया, कहीं अवतारों से, यह सुन लो, रिलेटिव सत्य से अविनाशी का अनुभव होता है, इसीलिए निकालना है, और वो भी बिलीफ से निकालना है, व्यवहार से नहीं निकालना है, क्योंकि बिलीफ में अज्ञान है, क्रिया में अज्ञान नहीं है, ये तो मशीन है, मशीन में ज्ञान अज्ञान होता नहीं है, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस। अज्ञान दृष्टि में है, पुरुषार्थ दृष्टि में करना है, अज्ञान दृष्टि में से निकालना है, प्रकृति में से नहीं निकालना है, ये तो मशीन है, मशीन में तो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, इस समय मैकेनिकल प्रोसेस। ये पूरी बॉडी चलती है, दिन रात चलती है, श्वास, डाइजेस्टिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सभी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना, पावर पहुंचाना, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें हमारी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, इट्स ऑटोमोट सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम, यस और नो? तो इसमें कोई एफर्ट की जरूरत है नहीं है। तो मेरा पुरुषार्थ जो सनातन सत्य का यूज करके दृष्टि से, हां दृष्टि, आई मीन दृष्टि का यूज करके जो प्रतिष्ठित आत्मा जो फुल ऑफ अज्ञान है अभी, वो अज्ञान में को एक-एक कैसे मिटाते जाना है, एज एन व्हेन, मतलब वही आपका, दैट इज ओनली थिंग, वही आपका डेवलपमेंट है, अज्ञान कितना मिटा सको, और वही डेवलपमेंट कैपर होता है, नॉट नॉलेज, मैंने पहले भी कहा है जी। डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही मैंने यही दिया है, आपका कितना अज्ञान निकल गया, दैट द लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट, कितना ज्ञान हुआ वो नहीं, अज्ञान निकाला वो डेवलपमेंट है, यू अंडरस्टैंड? आपने कितना दुनिया का नॉलेज जाना वो भौतिक, इससे कोई कंसर्न नहीं है, अज्ञान निकालना वो डेवलपमेंट है। अज्ञान को कैसे जाने? रिलेटिव सत्य ही डेफिनेशन दे दिया है, हर रिलेटिव सत्य वो अज्ञान है, हर रिलेटिव सत्य ही तो अज्ञान है, हर रिलेटिव सत्य की जो बिलीफ है वो अज्ञान है, क्रिया अज्ञान नहीं है, बिलीफ अज्ञान है। केवल ज्ञान जब होता है तो प्रतिष्ठात्मा खत्म हो जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान होता है तो उसके बाद उसका क्या रोल होता है? सम्यक ज्ञान, दर्शन के सम्यक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के बाद तो आत्मा के, आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे जाने का पुरुषार्थ शुरू होता है, वहां तक तो सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, वहां तक तो आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, आत्मा के लिए पुरुषार्थ शुरू ही नहीं होता है, शुरू मिथ्या का मतलब होता है ओनली फॉर बॉडी, नो सब्जेक्ट ऑफ सोल। सम्यक होने के बाद भी मैं आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, आत्मा की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, आप समझे ना, मगर मिथ्या है वहां तक तो सब्जेक्ट ही नहीं है, समझ आया, वहां तक तो पुरुषार्थ ही नहीं है, संकित, संकित से सहायक संकित तक पुरुषार्थ है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए का मतलब है अपनी अज्ञानता को मिटाना, अज्ञानता का मिटाने का मतलब है आत्मान से नजदीक जाना, आप समझे ना, हमारी और आत्मा के बीच अंतर कम करना, वो अज्ञानता को निकालना है, अज्ञान खत्म हो गया तो कोई अंतर है ही नहीं, नो डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, वैसे भी आत्मा और शरीर के बीच फिजिकल डिस्टेंस वाइज तो अंतर है ही नहीं, अंतर तो कर्टेन का है, आप समझे, बात ऐसी है, मिरर कहता है मेरे सामने दृश्य आके खड़ा होता है,
मैं दृश्य को देखता नहीं हूँ, मेरे मिरर में दृश्य प्रतिबिंब होता है और मिरर के सामने जो खड़ा है वो कहता है मैं मिरर में दृश्य देखता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड, इतना डिफरेंस है। तब मिरर बन गए तो अपने आप प्रतिबिंबित होता है और आप मिरर को मिरर में देखने वाले हैं तो आपको देखना पड़ेगा। प्रतिष्ठित आत्मा तो अभी मिरर नहीं है, आत्मा मिरर है। अज्ञान है वहाँ तक मिरर नहीं होता है, अज्ञान है वहाँ तक सेपरेट रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है और बाद में स्वभाव हो जाता है, मिरर को पुरुषार्थ नहीं होता है। आप जब कॉमन बात शब्द बोल देते तो लोग क्या करते, ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान प्रकाश का मतलब क्रिया और शब्दों का ज्ञान नहीं, उनके पास हर चीज को अनकवर करता है। जैसे पेड़ देखेगा, पेड़ के प्रकाश जाएगा, उसका बीनिंग है खुला हो जाएगा। इसको कहते हैं केवल ज्ञान। नाउ यू अंडरस्टैंड, उसको देखना नहीं है, दिस ओपन बट नेचुरल, दिस अ पावर ऑफ ज्ञान प्रकाश, पूरे ब्रह्मांड अनकवर हो जाएगा। वो अनकवर करता नहीं है, दैट्स इट इज, जहां उसका उपयोग रहेगा अनकवर। आप कहेंगे, आपको देखेंगे उपयोग से तो आपका अनकवर हो जाएगा, बिगिनिंग या एंड, ये उनका स्वभाव है। फिर एक्सप्लेन करने वाला और देखने वाला वो डिस्चार्ज प्रतिसादमा है, मगर पावर किसका है, आत्मा का, मगर पावर का अनुभव करने वाला फिर डिस्चार्ज प्रतिसादमा है, वो मूल आत्मा नहीं। अनकवर करता है और अनकवर को देखना, ये दोनों सब्जेक्ट अलग हो गए। अनकवर करना वो आत्मा के पावर का स्वभाव है और अनकवर जो हुआ है इसको देखना, जानना और एक्सप्लेन करना, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का और प्रकृति का स्वभाव है। तो ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन समझनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने सिद्धांत तो जो कहा है, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने का स्वभाव नहीं है। तो सिद्धांत इसको कहते हैं कोई भी दिन कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स निकलने नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल कहाँ कहेंगे फिर, सिद्धांत का मतलब कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए कोई भी अवस्था में। फिर केवल ज्ञान हो जाने के बाद कहोगे भी उसको तो पूरी दुनिया दिखती है, तो प्रिंसिपल खत्म हो गया फिर। आप समझे ना, कोई ना कोई तो प्रश्न करेगा ना, तो ये करेक्ट नहीं है। और इसीलिए सिद्धांत को सिद्धांत में ही रखना चाहिए, और तभी तो इसको कहते हैं ये सिद्धांत सिद्ध हो चुका है बाय ऑल एंगल्स, बाय ऑल व्यू पॉइंट्स, तभी तो वो सिद्ध कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, अभी चार पांच व्यू पॉइंट से सिद्ध हुआ है और व्यू पॉइंट से सिद्ध नहीं होता है, तो मेरे देयर इज सम कंफ्यूजन, देयर इज सम इनकरेक्टनेस इन योर प्रिंसिपल, वो धीरे धीरे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर चौकरदम से आपका सिद्ध हो जाएगा तो वो विजन में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आपको वो विजन परमानेंट रहेगा। इसको कहते हैं दर्शन, इसके पहले अनुभव कहते हैं। दर्शन तब होता है जब 360 डिग्री का सभी एंगलों से आपका विजन उस चीज के ऊपर सिद्ध हो गया, फिर वो दर्शन हो गया, फिर वो ऑटो मोड काम करेगा आपका विजन, फिर एफर्ट नहीं होगा। इसीलिए जितना जितना अज्ञान निकला वो आपका डेवलप होने गया, वो डेवलपमेंट के आधार से वो बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें प्रयास, मगर उससे ऊपर की बात होगी तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और केवल ज्ञानी जो होता है, जिसको अज्ञान है ही नहीं तो कोई एफर्ट है नहीं। इसलिए 356 डिग्री तो भी एफर्ट करना पड़ेगा चार डिग्री का, क्योंकि 360 नहीं है। आप समझे, केवल दर्शन हो गया, बाद में कोई एफर्ट नहीं, फिर रिजल्ट, ये प्रिंसिपल है, इसमें व्यक्ति की बात नहीं आएगी। आप समझे, 359 होगा तो भी घूमना पड़ेगा, अज्ञान का मतलब अज्ञान बस। 1% का भी अंधेरा है तो अंधेरा ही है, उजाला नहीं कहेंगे इसको। आप समझे ना, तो ये सिद्धांत की बात है। 360 हो गया फिर आप मुक्त हो गए, फिर जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज करने पड़ेगा विदाउट एफर्ट।
भले पांच अवतार होगा कोई तकलीफ नहीं, केवल दर्शन के बाद भी हो सकता है, तीन अवतार चार अवतार पांच अवतार केवल दर्शन के बाद, क्योंकि चार किया तो विशाख करना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा केवल दर्शन के बाद। ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत समझने की बात है, केवल दर्शन के बाद भी नरक में जा सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले चार किया है। जैन धर्म में कहते हैं कि पद्मनाभ नरक में है, वहां से आने वाला है। अब जैन धर्म में पूछोगे कोई भी आचार्य को तो कहेंगे आपको वहां से आएंगे, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, अज्ञान नहीं है वो बड़ी बात है, नरगति बड़ी बात नहीं है, वो तो डिस्चार्ज है, वहां कोई चार थोड़ी होने वाला है। मगर जो बीज डाल दिया है तो कुदरत का कानून तो काम करेगा, अब केवल ज्ञानी होंगे तो भी काम करेगा, यह सब लोग दैट्स इट। तो इसलिए आपका स्टेटस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुदरत कहती है तुम चार्ज करो मगर डिस्चार्ज करने काम मेरा है, वॉट इज योर स्टेटस आई डोंट केयर। आप समझे, तीर्थंकर होंगे तो भी कान में क्या लगाएंगे, केवल ज्ञान होगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा, हमारा रूल अलग है तुम्हारा रूल अलग है, हम दोनों एक दूसरे टकराते नहीं है। आपने कुदरत के कानून में गलती किया है, नेचर विल पनिश यू, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ सोल, इट इज सब्जेक्ट ऑफ बॉडी, यस और नो? सो इट इज नॉट बॉडी इज कंसर्न विद नेचर एंड सोल इज कंसर्न विद नॉट नेचर। ये सब बातें साइंस में समझनी पड़ेगी तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हर बात में जोड़ देते हैं जो शरीर आत्मा को, ये करेक्ट नहीं है, पर तभी तो कंफ्यूजन होता है। जब प्रिंसिपल समझ आए तो प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान रखो, फिर रिलेटिव सत्य में मत जाओ, रिलेटिव सत्य में जाओगे ये क्रिएट सो में निकल सकते, तो दोनों में अंतर रखने की जरूरत है। एक व्यवहार सत्य है उसमें जरा सो मेनी व्यू पॉइंट्स है, कोई भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है और कोई भी आप इसको अपना सकते हैं। और अब जब सनातन सत्य की बात करोगे तो एक ही प्रिंसिपल रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इफ एंड बट नहीं रहेगा। जो सफरिंग है वो प्रतिष्ठित आत्मा में ही है ना, सफरिंग है वो प्रतिष्ठित आत्मा को ही है ना, जो भी सफरिंग है, सफरिंग प्रकृति के माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, क्योंकि कॉज उसने किया था तो इफेक्ट इसको होगी, और जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा अगर इसमें जुड़ जाता है तो उनको लगता है कि मेरे को भी सफरिंग है, वो उसकी अज्ञानता है। मगर सफरिंग एक्चुअल होता है शरीर के माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को, जो पिछले अवतार में चार था ये अवतार में डिस्चार्ज, केवल ज्ञान के बाद भी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो लेना होता है ना? रहेगा ही लास्ट ब्रीद तक, डिस्चार्ज तो रहेगा नहीं, तो बॉडी नहीं तो बॉडी नहीं कैसे चलेगी, डिस्चार्ज का मतलब बॉडी है वहां तक तो डिस्चार्ज तो रहेगा नहीं, प्रतिष्ठित चार्ज नहीं रहेगा। नरक गति में कर्म की भुगतान करते वक्त नरक गति में जरूरत नहीं है वहाँ, वहाँ तो ओनली सफरिंग, नो पुरुषार्थ एनी काइंड ऑफ एंड नो अवेयरनेस, ओनली सफरिंग, वहाँ कोई अवेयरनेस ही नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है, ओनली सफरिंग। देव पाप लोक नरक लोक में जाओ तो पाप का सफरिंग, बस इतना ही अनुभव करना है, देवलोक में जाओ पुण्य का सफरिंग, इतना ही अनुभव करना है, और कोई पुरुषार्थ नहीं, और कोई जागृति नहीं, कुछ नहीं, खाली ह्यूमन में काम आता है और ह्यूमन में ही हो सकता है। ये इसीलिए तो मानव भव को श्रेष्ठ भव बताया, क्योंकि पुरुषार्थ भी यहाँ कर सकते हैं, चारों गति में भी यहाँ से जा सकते हैं और मोक्ष में भी, इसीलिए मानव जो मानव जाति है उनकी बहुत वैल्यू है। कहते देव लोग भी मानव भव की झंखना करते हैं, बिकॉज ऑफ पुरुषार्थ। समझ है कि मेरे को आपने बोला उसको कुछ भी चार्ज नहीं है तो ये झंखना कैसे करते, मतलब इच्छा ही अगर नहीं है उसको देवलोक में तो फिर ये तो इच्छा हुई ना, झंखना हुई, वो पुरुषार्थ नहीं है। कहने का मतलब ये देव लोगों को भी वो लगता है कि भी मनुष्यों को कितना अच्छा है, वहाँ पुरुषार्थ कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, मगर और कुछ कर नहीं सकते हैं।
चखना का मतलब कि पुरुषार्थ नहीं करते, कोई भाव नहीं करते हैं, मगर समझ देख तो सकते हैं ना कि मानव लोग पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाते हैं, हम तो यहाँ कया रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इतने तो पावरफुल मनुष्य से फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो दिखता है ना। बड़ा होता है जाते बहुत सारे, एक दो नहीं, लास्ट बर्थ में भी लाखों लोगों करोड़ों लोगों की हिंसा करते हैं, लास्ट बर्थ में जिस बर्थ में केवल ज्ञान होने वाला है उसी बर्थ में करोड़ों लोगों की हिंसा है। देखो कैसा होता है, देखो नॉर्मली कोई मानेगा ऐसा? ये तो साइंस से मैंने समझा है, कोई सोचता भी नहीं था, कोई बोलता भी नहीं था, ये एग्जाम्पल जैन समाज में कभी किसी ने दिया नहीं है। करोड़ों लोगों की हिंसा करके मोक्ष में गया वो अवतार में आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं नई बात नहीं करता हूँ, वो इतिहास में लिखी हुई है, प्रेजेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? बात नहीं नहीं है, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इतिहास में तो लिखा है कि वो चक्रवर्ती के रूप में भेजा हुए, करोड़ों की हिंसा किया, छह खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, इतनी साधन संपत्ति सत्ता थी, आप समझे, साम दाम दंड भेद करके सबको इकट्ठा कर दिया, सब कुछ था इसमें, फिर भी इसको इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि उनको तीर्थंकर मतलब भगवान के रूप में प्रेजेंट करना था। तो ये बातें फिर नहीं करेंगे। आम आदमी के उनको सुनते हैं, वो पढ़ते हैं तो भी इतना कॉमन बातें तो भी विजन में नहीं आती, तो ये कॉमन बात नहीं है, ये दृष्टि की बात है। आप इतना समझो कि मैं जो बात करता हूँ आपके सामने, जो विजन से वो विजन प्राप्त करने के लिए आम लोगों को करोड़ों अवतार चाहिए, ये शब्द ज्ञान की बात नहीं है, ये नॉलेज की बात नहीं है, किताब पढ़ने से भी नहीं आएगा। ये अज्ञान अनकवर होता है तभी दिखता है, ये बौद्धिक बात नहीं है, आप समझो, बुद्धि से सोच के नहीं आया है, उसकी मर्यादा है। अज्ञान निकलने से जो पावर होता है अनकवर करने का, वो पावर से खुला होता है ना, अंडरस्टैंड। आप देखो एक साइंटिस्ट जिसको हम महान साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने एक साइंस का रिसर्च किया दुनिया में, हालांकि उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो लोगों ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया एक साइंटिस्ट को। तीर्थंकरों को तो बाय बर्थ सब कुछ साइंस खुला है उसके पास, दे डोंट रिक्वायर द नोबेल प्राइज, यह सब तुम जो कहेंगे वो बता सकते हैं, मगर वो तो अनकवर हो गया है ना, उनको तो इतना अनकवर हुआ तो साइंटिस्ट बन गए आप समझे। तो ये आप कहें कि इतने सारे धर्मगुरु थे, इतने शास्त्र थे, नहीं दिखा, ये आंखों और बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, ये विजन का प्रश्न है। बिना दृष्टि वो दिखेगा नहीं, बिना दृष्टि नहीं दिखेगा, दृष्टि की बात है, ये नॉन आंखों से नहीं दिखेगा, जितना अनकवर होगा इतना आप शार्प देख सकते हैं, जितना कवर है इतना सार कम दिखेगा, वो है कि नहीं प्रश्न नहीं, दिखेगा नहीं आपको। कई लोग नहीं कहते, तुम तो आत्मा को मानते हो, हम तो मानते ही नहीं, पर आपको कुछ नहीं आपने देखा है ना, देखा तो नहीं है मगर मानते तो पक्का है, तो क्योंकि आपका इतना अनकवर हुआ है ना, यू अंडरस्टैंड, वो मानेंगे ही नहीं, फंडामेंटली नहीं मानेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं है ना। आप पुनर्जन्म को मानेंगे, प्रूफ नहीं है मगर मानेंगे, बाय रूट। आप कर्म के सिद्धांत को मानेंगे, आपको अनुभव नहीं है क्योंकि आपका डेवलपमेंट है, तो इतना अनकवर हुआ है तो इतना तो बिलीव कर सकते हैं, भले एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बिलीव तो करते हैं 100%, वो नहीं कर सकते हैं, इसका क्या नहीं है डेवलपमेंट। अब ये भौतिक डेवलपमेंट नहीं है, आध्यात्मिक अज्ञान नाश का डेवलपमेंट, तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी आप समझे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा, हिंदुस्तान के चोर को मैं ज्ञान दे सकता हूँ मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं दे सकता हूँ। क्यों कहा? ये डेवलपमेंट समझना आसान नहीं है शब्द आप समझे, ये तो सिंपल बोल दिया कि डेवलपमेंट समझना आसान नहीं है, कुत्ता दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है उसका डेवलपमेंट नहीं है
वो आपको नहीं समझ में आएगा, ये भौतिक डेवलपमेंट है। जहाँ तक आत्मा को नहीं समझता है, कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता है, पुनर्जन्म को नहीं समझता है, वहाँ तक अंडर मैच्योर है आध्यात्मिक डेवलपमेंट में। बोले भौतिक में हाई लेवल पे हो सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट या नोबल प्राइज वाला हो सकता है, आध्यात्म में वो बेस पर भी नहीं आया। मगर ये बात समझना है, दुनिया के आम लोगों के लिए आसान नहीं है। तो आध्यात्म का डेवलपमेंट अलग चीज़ है और भौतिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ये तीन बातें समझ में नहीं आएगी वहां तक तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट की बिगिनिंग भी नहीं होगी। भले भौतिक में कितना डेवलप क्यों ना हो, मगर साइंटिस्ट आध्यात्मिक बात अगर समझना चाहे तो वो जल्दी पकड़ सकता है, क्योंकि वो मैच्योर तो है, वो तत्व को तो जानता है, तत्व के रोल को जानता है। इसीलिए विज्ञान समझना इसके लिए आसान है, अनुभव करना आसान नहीं है मगर समझना आसान है। इसलिए दादा भगवान कहते थे 4-5 साल लास्ट कि मेरे को साइंटिस्ट मिला था, मैं उनको थोड़े समय में पूरा साइंस समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। हाँ, क्योंकि 5 तत्व का ज्ञान जो है वो तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 तत्वों का ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में एक ही है, सिर्फ 1 तत्व का डिफरेंस है आत्मा तत्व। और इसीलिए फिर आत्मा में फिर रिबर्थ आता है, कर्म का सिद्धांत आता है, मोक्ष आता है, सनातन सुख आता है। ये सब किस में आता है? पाप पुण्य आता है। किस में आता है? आत्मा की बात करोगे तो, 5 तत्व की बात करोगे तो नहीं आएगा, आत्मा शब्द सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, तो वो नहीं जानते हैं ना। और इसीलिए पूरा पैकेज उसको मालूम नहीं है, तभी कहते हैं आध्यात्म के मार्ग में वो अंडर डेवलप है। भौतिक में हो सकते हैं हाई लेवल पे, समझ में आया ना। तो इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट है उनको तो आत्मा का है नॉलेज, वो समझ सकते हैं, वो ये बात को समझ सकते, जल्दी समझ सकते हैं ऑफ कोर्स, मगर संजोग भी चाहिए, संजोग भी चाहिए। मेरे को दो साइंटिस्ट अभी तक मिले, एक अपने इसरो के साउथ इंडियन और दूसरा टोरंटो में मिला न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो अपना गुजराती का, वो मिला, दो साइंटिस्ट मिला, दोनों के साथ साइंस के ही बात, नो एनी सोशल रिलीजियस टॉक करने का ही नहीं, बात ही नहीं, प्रश्न भी नहीं और टॉक भी नहीं, ओनली सिद्धांत की बात है। और खुश हो जाते हैं, आप समझे ना, और वो जल्दी समझ भी जाते हैं। वो तो संजोग में होगा तो और भी मिलेंगे, आएंगे, वो खुद बताएंगे कि हमने उनके साथ ये बात किया था, रिकॉर्डिंग भी आएगी, रिकॉर्डिंग में भी आएगी। यानी कहने का मतलब साइंटिस्ट लोग ये बात जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि साइंस है, धार्मिक लोग ये बात जल्दी नहीं समझ सकते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक्शन बेस पर है, क्या है तो उनको चेंज करना पड़ेगा पहले, बाद में साइंस समझ में आएगा, सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। उनका तो सॉफ्टवेयर पहले से है प्रिंसिपल के ऊपर, एक्शन बेस पर नहीं है। अज्ञान निकालने का जो प्रतिष्ठा आत्मा को जो अज्ञान है वो निकालने का तरीका, पहले ये सोचो अज्ञान आया कैसे। आपने बताया ना जो भी रिलेटिव ज्ञान है वो तो नहीं, रिलेटिव ज्ञान है वो अज्ञान है, वो डेफिनेशन हो गई, हमने अज्ञान को कैसे पाया, दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। वही तो अनुभव से किसी ने मुझे बताया ये मैं आपको आपके मुंह से ये उत्तर सुनना चाहता था, फिर मैं कहूंगा कि विज्ञान कैसे प्राप्त करूंगे। यू नो द सेम प्रोसेस होती है, अलग अलग नहीं होती है, जहाँ से पाप आता है वहाँ से ही पुण्य आता है, आप समझे ना, अलग अलग जगह नहीं होती है। तो अज्ञान का मतलब होता है दुनिया तो वही की वही है, जहाँ तक रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना और सनातन सत्य की दृष्टि थी ही नहीं, तो जो कुछ भी रिसीव किया वो अज्ञान था।
अभी हमारे पास सनातन सत्य की दृष्टि है और वही दुनिया देखेंगे तो वही अज्ञान हम काट देंगे, तो अज्ञान निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य। बस तो और कुछ नहीं है, ये ज्ञान और अज्ञान दोनों दुनिया में ही है। आप समझे, प्रश्न दृष्टि का है, आपके पास दृष्टि आप, तो वही तो बात है, पूरा साइंस अपना बेस ऑफ बिलीफ है, अपना बेस ऑफ विजन है, एक्शन और स्पीच का इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समझेंगे, जहाँ से आपने अज्ञान पाया वहाँ से ही आपको विज्ञान यूज करोगे, अज्ञान निकल जाएगा। आपने कहा मेरी वाइफ है, वो रिलेटिव सत्य है। आपने कहा वाइफ में शुद्धात्मा भी है, तो वो सनातन सत्य हो गया। जब शुद्धात्मा देखोगे और रिलेटिव सत्य आंखों से देखेंगे, मगर वैल्यू रिलेटिव सत्य की करोगे, क्योंकि सनातन सत्य है, क्योंकि निकालना अज्ञान है। जब सनातन सत्य की दृष्टि से देखोगे वाइफ को आत्मा के रूप में, और रिलेटिव सत्य को निकालना, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है वो निकालना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब खत्म हो जाएगा, मगर आपके उस समय आपके पुरुषार्थ में से अज्ञान नहीं। देयर इज अ प्रोसेस टू गो अहेड एंड अपग्रेड, और कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। और ये प्रक्रिया हमारे लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञानी हुए उनके लिए यही प्रक्रिया है। शब्द अलग हो सकते हैं, मेथड अलग हो सकती है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल चेंज। आप समझे, तो वही जो आप बता रहे, प्रतिष्ठित आत्मा ही डेवलप कर रहे हैं, जैसे अज्ञान कम होते जाएगा अपने आप, अपने आप अज्ञान से प्रतिष्ठित आत्मा भर गया, वो भी ऐसा ही भर गया, देख देख के स्वीकार करते, पढ़ते पढ़ते, मानते मानते, ऐसे अज्ञान को निकालने का रास्ता विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान निकालते निकालते अज्ञान निकल जाएगा, यही प्रोसेस होगी ना। यहाँ कोई चमत्कार की बात ही नहीं है, और ये बात आपने लाइफ में पहली बार सुनी होगी। नहीं, वैसे तो मैंने दादाजी का नाम लिया है, मैंने विज्ञान की बात कहा, विज्ञान की ही बात कर रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे समझ की बात, जो बिलीफ की बात, वही तो जो रॉन्ग बिलीफ की, वो तो दृष्टि बदलनी है ना आपकी, जैसे विजन चेंज करना है, वो आपको विजन चेंज करना है, दृष्टि बदलना है, आत्मा हूँ, ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये छह तत्व है, ये सब बातें किताबों में है। इट इज नॉट मैटर ऑफ नॉलेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है, अभी तक आपको यही मालूम था कि इतने इतने सत्साधन करना ही पुरुषार्थ है, यस और नो, और मेरे सत्संग में एक भी शब्द नहीं आया, तो कोई डिफरेंस नहीं लगा आपको? आप कहते पहले भी वही था। बात तो वही, शब्द तो दुनिया के, अगर यहाँ तीर्थंकर भगवान भी आ जाए तो उनको कक्के बारकड़ी के बाहर के शब्द का प्रयोग वो नहीं कर सकते, यस और नो। तो यहाँ शब्द की बात नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात है। शब्द तो वही करेंगे जो हम करते हैं, वही एबीसीडी करेंगे, कोई नहीं लाएंगे कोई। शब्द तो वही रहेंगे, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। Now you understand? That's it. तो बात तो वही रहेगी, आत्मा शब्द भी आपने लाखों बार सुना होगा, और सत्संग में आने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा भी सुना होगा, प्रकृति भी सुना होगा, पुरुषार्थ भी सुना होगा, रिलेटिव सत्य भी सुना होगा, छह तत्वों का भी सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। मगर जो प्रेजेंटेशन था कि पुरुषार्थ पहले किसको कहते थे और विज्ञान में पुरुषार्थ किसको कहते हैं, बस ये डिफरेंस है। विज्ञान में अज्ञान को नाश करना वो पुरुषार्थ है, और पहले जो पुरुषार्थ मानते हैं वो रिचुअल्स को करना वो पुरुषार्थ मानते थे, इसमें सामयिक प्रतिकरण से लेकर सब आते हैं। आप समझे, यहाँ वो शब्द नहीं है, तो ये बहुत वास्ट डिफरेंस है। कोई बाहर के व्यक्ति को कहोगे तो मालूम होगा कि कितना डिफरेंस क्या है उनको। और कई अवतारों से हम यही डिफरेंस को समझ नहीं पाए, और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने अपने संक्षिप्त शब्दों में कहा, सौ साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं क्या बंधन सुझाए। इट इज नॉट मैटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज मैटर ऑफ द सत साधन।
नॉट साधन, सब साधन बंधन हुआ, ऑल। समझ में आया? क्योंकि सत साधन समझा नहीं, सत साधन इज अ नॉन डुअरशिप एंड परमानेंट, अने साधन इज ऑन अ बेस ऑफ डुअरशिप एंड दे गिव द क्रेडिट एंड डेबिट। तो ये प्रिंसिपली डिफरेंस है, क्या है सैद्धांतिक। आपको समझ में आया ना? तो यही बातें समझनी है यहां। इसीलिए कहते महान पुरुष को आध्यात्मिक मार्ग में उसका उसका जो विजन इतना क्लियर होता है, इतना शार्प होता है, ताकि आम लोग इसको पहले समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव ट्रूथ से आगे बढ़ते हैं ना आम लोग तो। और उसका विजन बिल्कुल क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एकदम से तो मैच नहीं होगा ना। कितना डिफरेंस होगा, एक रिलेटिव ट्रूथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ, डिफरेंस कितना होगा? बिगिनिंग में तो फाइट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? शुरू में तो होगा, पर मेरे को मालूम भी है कि होगा, तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगा कि लोग क्यों ऐसा कहते, कहेंगे ही क्या बताया। मगर जब दुनिया के लोग कहेंगे कि नहीं भारत में दम है, तब तो फिर कहेंगे ये तो हमारा ही है ना। आप समझ के स्वामी विवेकानंद को क्या हुआ था, ये भारतवर्ष में घूमते रहते थे, कभी उसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी उसके घर पे, उसको वैल्यू भी नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में थे, एक सन्यासी के रूप में थे, और बहुत सारे सन्यासी थे, इज वन ऑफ द सन्यासी, घूमते रहते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी एबिलिटी थी, मगर वैल्यू करने वाला चाहिए ना कोई, उनको समझने वाला चाहिए कि नहीं कोई, सुनने वाला तो थे, समझने वाले नहीं थे ना, लिसनर तो बहुत थे, उनकी वैल्यू करने वाले नहीं थे। मगर जब अमेरिका के अंदर गए और शिकागो के अंदर जब बोले, तब दुनिया ने देखा कि ये हिंदुस्तान के सन्यासी का क्या पावर है। तब यहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया, बिकॉज उस पहले तो स्वीकार ही नहीं किया था। आप समझे ना? तो ऐसा है, स्वीकार करने वाले भी लोग तो चाहिए ना, एबिलिटी वाले हैं। इतना आसान नहीं होता है, लोगों को कॉमन जैसा लगता है। क्या लगता है? शुरुआत में मैं बात करता हूँ, लोग कहेंगे ये तो क्या नई बात है, ये तो हमने सुनी है, ये तो हमने पढ़ी है, ये तो किताब में लिखी है, वही तो बात है, और क्या नई बात है। धीरे धीरे मालूम होता है कि बहुत नई है। एकदम मालूम शब्दों के आधार से इक्वल लगेगा आपको, शब्दों के आधार से। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट द वर्ड इज सेम। तो धीरे धीरे मालूम होता है व्यक्ति को। और मेरी यही ख्वाहिश है कि धीरे धीरे लोग जो भी हमारे महात्मा है या थिंकर पीपल है या मुमुक्षु है, सब लोग ये विज्ञान को समझने की कोशिश करें कि विज्ञान मेरा नहीं है, और नहीं मैं उसका क्रिएटर हूँ, नहीं उसका ओनर हूँ, और नहीं मैं ये कहता हूँ कि मेरा विज्ञान है। आप समझे ना? ये विज्ञान सनातन है, और वही विज्ञान को आपका अनुभव करना है, और वही विज्ञान आपको अनुभव करके दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस। इसमें मेरे नाम की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा नहीं है। आप समझे? तो प्रश्न ही नहीं आता है ओनरशिप एंड डूअरशिप। आप समझे ना? तो इसीलिए पहली बार ये विज्ञान प्रेजेंट हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, कहीं सालों के बाद, विदाउट ओनरशिप, विदाउट डूअरशिप, विदाउट पार्टीशन, विदाउट कॉम्पिटिशन, विदाउट कंपेरिजन, एंड विदाउट रिलेटिव ट्रूथ, विदाउट फॉर्मेट। यस और नो? दैट्स इट। हर व्यक्ति का बेस होता है रिलेटिव ट्रूथ, हर व्यक्ति का बेस होता है फॉर्मेट। यहाँ क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए कहा ये कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं तो सिर्फ प्रेजेंट करता हूँ, क्या करता हूँ, ये मेरा नहीं है। वो लाखों अवतार से, लाखों सालों से है, और अनंत काल तक ये रहेगा विज्ञान। जो अनुभव करेगा वो ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी, आध्यात्म ज्ञानी, और मोक्ष में जाएगा, जो भी करेगा, जब भी करेगा। आप समझे नहीं? यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। प्रश्न करना है तो करो, कोई एनीवन हैव अ क्वेश्चन? किसी को प्रश्न है? हाँ, कोई बात नहीं। जो ये चार तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, काल और आकाश, जो अदृश्य है, मतलब समझ पाना
उदय के टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, तो और ब्रीफली अगर आप समझा पाएंगे मतलब कैसे। ब्रीफली क्या, कोई भी काम करोगे तो गति सहायक चाहिए कि नहीं चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए कि नहीं चाहिए, समय चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, बस डिफिकल्ट क्या है ही। इसके बिना अवेयरनेस में नहीं आ वो अलग बात है, मगर है तो सही ने। पर वर्ड से ही बोलना पड़ता है कि हाँ गति सहायक है। नहीं, पर गति सहायक दिखता नहीं है, ये पंखा फिरता है तो गति सहायक नहीं है, ये स्टैंड हिलता नहीं है तो स्थिति सहायक नहीं है, तो फिर टाइम नहीं है, हर अवस्था में टाइम नहीं है। बिगिनिंग और एंड, आप यहाँ आए तो बिगिनिंग एंड रहेगा ना, तो वो टाइम है, फिर आप बैठते वो स्पेस है। तो कोई भी अवस्था ऐसी है जिसमें छह तत्व नहीं है, आज यहाँ बैठे हैं, आत्मा तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है और स्पेस है। तो कोई भी अवस्था छह तत्व से बियॉन्ड हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट्स इट। और वही मैं बात करता हूँ, समझ में धीरे धीरे आए वो एक अलग बात है, मगर अभी तो समझ में तो आता है ना, बौद्धिक उपयोग में आने में, अनुभव में आने में समय लगेगा। क्या बताया, समय लगेगा उपयोग में आने में, परंतु आपको समझ में तो तुरंत आ जाएगा। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल में टाइम लगेगा ने, मैंने आपका जो अभी मैंने कहा ना आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उस प्रकार से सेट नहीं हुआ है, समय लगेगा सेट होने में, बाद में ऑटोमोड हो जाएगा। अभी जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमोड काम कर रहा है आपका, अभी ये नया सॉफ्टवेयर आपको चेंज करना पड़ेगा आपके विजन में, तभी ये फिर काम करेगा। अभी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार सॉफ्टवेयर पूरा चेंज हो जाएगा देन इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। लेकिन वो अप्लाई क्यों करना है हमको, बस सेपरेट सुनी जो एक देखने का है साइंटिफिकली, फिर ये अप्लाई किया कि नहीं किया, वो अवेयरनेस में कैसे काम आएगा, मतलब एक जड़ और ये चेतन का समझ लिया, तो ये छह तत्व तो समझ लिया समझ में, लेकिन उसको अप्लाई करके हमारा ज्ञान में कुछ क्या फर्क हो सकता है कि अवेयरनेस में कैसे फर्क हो सकता है क्या? अगर ये अप्लाई नहीं करोगे तो डूअरशिप ओनरशिप रहेगी कि मैं मालिक हूँ, व्यवस्थित वर्ड ये डिफाइन करते। व्यवस्थित वर्ड मतलब, व्यवस्थित मतलब ये छह तत्व वही है ना, वही है ना, कुदरत कहो व्यवस्थित कहो एक ही बात है। ये नहीं समझोगे तो ओनरशिप डूअरशिप नहीं जाएंगे, समझ में आना चाहिए ना कि ये जड़ तत्व है और मैं चेतन हूँ। तो एक मिनट, तो इसके अंदर कोई भी जड़ तत्व का मैं मालिक कैसे हो सकता हूँ, तो ओनर कैसे रहूँगा? और ये जड़ तत्व है, चलाने वाला कुदरत है, गति सहायक तत्व है, तो मैं डूअर कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं ओनर डूअर रहूँगा तो राग द्वेष होते रहेंगे। बोले ना आपने जान लिया कि जड़ चेतन अलग है, फिर भी राग द्वेष होगा, क्योंकि आपने साइंटिफिक प्रोसेस नहीं जानी है ना, ये वर्ड्स हैं जड़ और चेतन, वो तो है सही, आपका शब्द सही है, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है और साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आपका विजन ही साइंटिफिक नहीं है। तो जड़ चेतन बोलने से समझ में नहीं आता है, आप समझे ना। तो इसको विस्तार से समझने के बाद उनका सार ये निकलेगा, आप समझे। तो पहले डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि आपके बुद्धि को समझ में आज सेट हो जाए, आपके ईगो सेट करे कि नहीं, बात बराबर है। धीरे धीरे यह सॉफ्टवेयर चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक सिचुएशन में मतलब एग्जांपल देके बोलो ना कि हमको ये है, तो हमको ये समझने से हमारी ड्यूअलशिप कैसे जाएगी, मतलब जो ड्यूअलशिप है। जैसे जैसे एक व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, ठीक है, अभी अपमान करेगा तो आपकी बुद्धि क्या सोचेंगी, पहले नेगेटिव सोचेंगी, अपमान क्यों किया आप, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर उनको लगी है बराबर है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये परिस्थिति होगी तो उसमें क्या होगा, पक्ष इसका जाएगा, मेरा अपमान किया, मैंने गलती नहीं किया है,
अभी आप इस प्रसंग में आपको साइंटिफिक प्रोसेस करना है छह तत्वों के, तो मैं चेतन हूँ, ये जड़ है और जड़ तत्वों की चार अवस्था है, गति सह, स्थिति सह, टाइम एंड स्पेस, ठीक है, ये इसकी अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है, और इसी अवस्था के मुताबिक ये प्रोसेस होती है, ये इसकी स्मॉल अवस्था की, आप समझे ना, तो ये प्रोसेस देखेंगे तो फिर ओनर डोर आप नहीं रहोगे, ये मैं उसका मालिक हूँ या मैं हूँ, वो ओनरशिप हो गई, उन्होंने किया और डोरशिप हो गई, गति सह तत्व नहीं देखा, उन्होंने किया, जड़ नहीं देखा, मैं हूँ, मेरे को कहा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, आप समझे ना, तो ये पूरी प्रोसेस को समझनी पड़ेगी, ये इसके मालिक बन गए तभी तो इफेक्ट हो गया ना, तो ओनरशिप हो गई, आपने कहा तो वो डूर हो गया कि नहीं, तो ओनरशिप डूर से जुड़ रही कि नहीं, क्योंकि आपने विज्ञान के क्षेत्र का उपयोग नहीं किया, अगर करने वाले गति सहायक है, ये जड़ तत्व है, आप समझे ना, बाकी जो तत्व है स्थिति सहायक है, टाइम पे ये बात सुनने को मिली, ये संजोग से मिली, एनवायरनमेंट, स्पेस, तो उसमें कोई करता नहीं है और कोई भोगता भी नहीं है, ये दोनों का पैकेज, बोलने का और सुनने का, ये कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना का मतलब होता है पांच तत्व और मैं छठा तत्व, तो ये प्रोसेस शून्य हो गई, क्या हो गई, मगर ये विजन की प्रोसेस अंदर होनी चाहिए ना, तभी शून्य होगा ना, और ये शून्य लगेगा तब मालूम होगा कि मैं पूर्ण हूँ, ये शून्य है तभी तो मैं पूर्ण हूँ, हर अवस्था शून्य लगेगी वही तो मैं पूर्ण हूँ, और पूर्ण और कोई छोड़ी है, जब दुनिया शून्य लगेगी तभी तो आप पूर्ण है वो समझ में आएगा, जब दुनिया की वैल्यू रहेगी तो पूर्ण है ऐसा कैसे समझ में आएगा, ये पूरी साइंटिफिक, ये बहुत बड़ा साइंस है, डीप साइंस है, मगर इसमें क्या है, ये समझने के लिए बहुत इंटरेस्ट चाहिए, बहुत अवेयरनेस चाहिए, एकदम से नहीं समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्ट चाहिए, ये सिर्फ शब्दों से नहीं समझना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, शब्द तो एक माध्यम है प्रेजेंट करने का, उससे बहुत डीप में जाना पड़ेगा आपको, तब समझ आएगा कि साइंस में बोलता हूँ कैसे काम करता है, हर बातों को हमको खुद को प्रयोग में रखना पड़ेगा, तभी ये साइंस है ऐसा समझ में आएगा, साइंस शब्द नहीं है, साइंस वो साइंटिफिक प्रोसेस है जो ऑटोमोड काम करती है, और ऑटोमोड जो काम करती है उसमें हम डूअर मानते हैं, बस वही रिलेटिव सत्य है, और जो साइंस कहता है वो शब्द निकल देते, मतलब वो बराबर सेटिंग में स्पेस में कार में वो बराबर आया तब भी वो शब्द निकल जाएंगे, फिर ओनर से निकलेगा, बाकी नहीं निकले, ना नहीं निकले, आपके पास ज्ञान रहेगा अनुभव नहीं रहेगा, अगर ये प्रोसेस नहीं करोगे तो अनुभव नहीं होगा, ज्ञान रहेगा कि डूअरशिप क्या है, ओनरशिप क्या है, छह तत्व क्या है, नॉलेज इंफॉर्मेशन रहेगी, वो तो इसी को करते हैं वापस जीरो, वही तो हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, दोनों में अंतर क्या है, साइंस इज अ एक्सपेरिमेंट एंड रिलीजन इन अ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में डूअरशिप होती है, साइंस में विजन होता है, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने इतना लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दिया है, अभी आपको कितना समझ में आता है, कितना आप विजन में सेट करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें मैं क्या कर सकूँगा, आपका कोई प्रश्न है और मैंने उत्तर नहीं दिया है तो मेरी गलती है, आपने नहीं किया है और फिर दिमाग में क्वेरी रहेंगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कितनी बार कहता हूँ कोई क्वेश्चन है तो करो करो कहता हूँ मैं, और कोई प्रश्न को मैं टालता नहीं, टाला मैंने कि तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे को जरूरी नहीं है, आगे समझ में आएगा, अभी काम का नहीं है, कभी मैंने ऐसा उत्तर दिया है कभी नहीं, और आपने कितनी बार सुना है मेरे अलावा, सुना है कि नहीं सुना है, तुम्हारे काम का नहीं है, ये प्रश्न कहाँ से लाए, छोड़ दो इसको, अभी जरूरत नहीं है, मगर जरूरत है कि नहीं, तुम उत्तर दो ना, वो है तो मगर उत्तर नहीं है तो फिर खुद तो बाहर निकल, चलो कोई बात नहीं, अभी प्रार्थना बुलाते हैं, समय हो गया, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है,
वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, मैंने जो जो दोष किया है, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ। उनके लिए, उनके लिए हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मय आकार रहे, तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।